पनीर का चोर। एक गांव में एक मोटा आदमी रहता था, उसे सब लड्डू 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 कहकर चिढ़ाते थे। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता था। उसे पनीर के बने पकवान बहुत पसंद था, उसके बिना वो खाना नहीं खाता था। एक दिन उसकी माँ, बेटा तुम्हारे तीन वक्त भोजन में पनीर पकाने के लिए तुम्हारे पिताजी धनवान नहीं है, आज खाने में पनीर नहीं है, तुम आज बगैर पनीर के ही काम चलाओ। उसे गुस्सा आया और वो प्लेट फेंक दिया। वो पनीर के लिए कुछ भी करता था। पनीर की सुगंध को सूंघते हुए वो गली गली घूमता था। किस घर में सुगंध आई वो पहचानता था। उसके बाद धीरे से उस घर के रसोई में जाकर सारा पनीर की सब्जी खा जाता था। उस गांव में एक ढाबा था, वहाँ कई किस्म के पनीर की सब्जी बनते थे। माना जाता था कि वे बहुत स्वादिष्ट होते थे। एक दिन लड्डू ढाबे के सामने से गुजर रहा था। ढाबा को देखते हुए, आज गांव में किसी के भी घर में पनीर नहीं पकाया है, इस ढाबे में पनीर खाऊंगा तो मजा आ जाएगा, पर क्या करूं, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। ऐसा सोच ही रहा था कि एक आदमी आया और, साहब बहुत भूख लगी है, पैसे हो तो दे दीजिए। क्यों रे, मैं क्या तुम्हें एटीएम काउंटर दिखता हूँ? मैं ही पैसे के लिए रो रहा हूँ, ऊपर से तुम परेशान कर रहे हो, जाओ यहाँ से। वो जाने लगा तो लड्डू को एक उपाय सूझी। लड्डू, अरे अरे रुको, यहाँ आओ, तुम्हें पेट भर खाना है, यही ना, अगर तुम वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ तो दोनों पेट भर खा सकते हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो, आप भगवान बनकर आए हैं, मेरा नाम पिंटू है, बोलिए क्या करना होगा। तब लड्डू अपना बटुआ दिखाते हुए, जहाँ तक मैं जानता हूँ इसमें कभी एक रुपया भी नहीं मिला। अपना प्लान ये है कि हम दोनों उस ढाबे में जाएंगे, अनजानों की तरह आमने सामने बैठेंगे, तुम्हें जो पसंद है तुम खाओ, मुझे जो पसंद है मैं खाऊंगा, बाद में वेटर को बिल लाने के लिए कहेंगे। बिल भरने के ढोंग करते हुए मैं बटुए को टेबल पर रखूंगा, तब तुम खटाक से वो बटुआ लेकर भाग जाना। मैं चोर चोर बटुआ ले गया कहकर चिल्लाऊंगा तो मुझे ये सोचकर छोड़ देंगे कि बेचारे का बटुआ चोरी हो गया है। ये तरकीब कैसा है? साहब आपको यहाँ नहीं अमेरिका में पैदा होना चाहिए था, अब तक प्रेसिडेंट हो गए होते। इस तरकीब से हम हर रोज एक नए होटल में खा सकते हैं। अब देर किस बात की, चलिए खाते हैं, बहुत भूख लगी है। यूं दोनों ढाबे के पास आए, आमने सामने बैठे, वेटर उनके पास आया। लड्डू, तुम ही वेटर हो, मालिक नहीं है? चलो ठीक है, मेरे लिए पनीर बिरयानी, पालक पनीर, पनीर 65, पनीर पकौड़े, तुम्हारे ढाबे में पनीर के जितने आइटम्स हैं सब ले आओ, जाओ। मेरे लिए चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन 65, नॉन वेज के जितने आइटम हैं सब ले आओ। बाद में दोनों डटकर खाने लगे। इतने में पिंटू को साथ वाले टेबल पर बटुआ दिखाई दिया, उसमें बहुत सारे नोट थे। वो आदमी कुछ खा रहा था। पिंटू ने सोचा, बटुआ चुरा कर भागने से अच्छा ये रुपए से भरा हुआ बटुआ चुराना है। उस लड्डू के बटुए में कुछ भी तो नहीं है, पकड़ा गया तो बहुत मार पड़ेगी, वो रिस्क ये बटुआ मार कर लेता हूँ, ऐसा उसने सोचा। वेटर, अरे वेटर बिल लेकर आओ। पिंटू से, क्या सोच रहे हो, जो कहा है याद है ना, बटुआ निकाल कर टेबल पर रखता हूँ, तुम उसे लेकर भाग जाओ। वेटर ने लड्डू को बिल दिया, लड्डू ने बटुआ निकालकर टेबल पर रखा। पिंटू ने तुरंत उठकर पास वाले टेबल के बटुआ को लेकर भाग गया। ये देख लड्डू चौंक गया, पास वाले टेबल का व्यक्ति, मेरा बटुआ लेकर भाग रहा है, चोर चोर कहकर चिल्लाया। तो लड्डू भी, मेरा बटुआ लेकर भाग रहा है, चोर चोर पकड़ो पकड़ो मेरा बटुआ लेकर भाग रहा है कहकर चिल्लाने लगा। लोगों में खलबली मच गई। लड्डू और जोर से, मेरा बटुआ लेकर भाग रहा है, मेरा बटुआ लेकर भाग रहा है, चोर चोर कहकर चिल्लाने लगा। तब बटुए का मालिक लड्डू के गिरेबान को पकड़ा, तू कौन है, वो मेरा पर्स लेकर भाग रहा है और तुम अपना पर्स क्यों कह रहे हो, इसे देखकर मुझे शक हो रहा है, इसकी तलाशी लें। तब एक आदमी, हाँ दोनों साथ ही आए थे, उन्हें ढाबे के बाहर बात करते हुए भी देखा, लगता है ये इनका प्लान है। तभी दूसरे ने लड्डू की जेब से बटुआ निकाल कर देखा और, ये खाली है, चुपचाप बताओ तुम कौन हो, ये क्या सब मेरे पीछे पड़े हैं, उसे मेरा बटुआ ले जाने के लिए कहा था तो इनका बटुआ ले गया, उसकी गलती के बारे में नहीं कहेंगे, वो देखो वो वहीं खड़ा है। बस जैसे ही लोग उस ओर मुड़े तो लड्डू वहाँ से भाग गया, यूं तेजी से दौड़कर वहाँ से चला गया। गलत रास्ते पर चलोगे तो अंजाम भी गलत ही होता है, सही कहा ना।
पुलिस के घर में चोर। एक गांव में रामनाथ नाम का एक एसआई रहता था। वो बहुत घमंडी था, ऊपर से मोबाइल फोन की भी लत थी। 24 घंटे मोबाइल में कुछ ना कुछ देखता रहता था। बाइक में जाते हुए भी मोबाइल देखता रहता था। एक दिन जेल में बाबू नाम का एक कैदी, साहब मुझे छोड़ दें, मैं चोर नहीं हूँ, आपके आदमी मुझे कोई और समझकर पकड़ के लाए हैं, प्लीज साहब। रामनाथ फोन देखता हुआ, हर एक चोर यही कहता है, जब चार डंडे पड़ेंगे तो अपने आप सच उगलोगे। तभी एसआई का फोन बजा। फोन उठाकर, हेलो, हाँ बोलो, मार्केट की चोरी वाले केस में जो चोर था वो पकड़ा गया, यानी ये नहीं है? ठीक है, कहकर फोन काटा। और कांस्टेबल्स उसे छोड़ दो। बाबू बाहर आकर, साहब दो दिन खामखा मुझे अंदर रखा, मैंने एक बात तय कर लिया है, मैं एक ही बार चोरी करूंगा और कहीं नहीं, आपके ही घर में, हो सके तो रोक लो। रामनाथ मोबाइल देखता हुआ, चल चल बहुत देखे तेरे जैसे, कहता हुआ हाथ हिलाने लगा। बाबू वहां से चला गया। एक दिन रामनाथ एक आंखों वाले डॉक्टर के पास जा मिला। डॉक्टर, लगता है आप मोबाइल ज्यादा देखते हैं, रेटिना पर बहुत बुरा असर हुआ है, एक हफ्ता भर आंखों को आराम देना होगा, दवाइयों की जरूरत नहीं है, पर अपने आप ठीक हो जाएगा। बाद में रामनाथ घर आकर आंखों में पट्टी बांधे हुए था, तो पत्नी, देखा इस फोन की लत की वजह से क्या हुआ है, अब मोबाइल देखना बंद कर दो, पूरी तरह आंखों की रोशनी जा सकती है, कह देती हूँ मैं नहा कर आती हूँ, ये लो चाय पियो, कहकर जाने लगी कि एक और ऐसे ही वहाँ आया। उसे देखकर पत्नी, नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं? एजी आपके दोस्त प्रशांत आए हैं। रामनाथ, आओ यार आओ, मैं एक हफ्ते की छुट्टी ले रहा हूँ, लीव लेटर स्टेशन में दे देना, वाकई मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसा दोस्त मिला है, कोई भी मदद मांगो तो तुरंत आ जाते हो, शुक्रिया यार। प्रशांत, अरे क्या बात कर रहे हो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम वो मोबाइल की लत को छोड़ दो, ठीक है मैं चलता हूँ। कहते हुए जाने लगा तो लीव लेटर की याद आकर फिर मुड़ा, तो इतने में रामनाथ, अरे सुनती हो, वो प्रशांत देखने में अच्छा है पर उसके काम ऐसे होते हैं, जानती हो। लीव लेटर भूल गए हैं क्या भाई साहब, थोड़ी चाय पियेंगे? प्रशांत नाराज होकर, कोई जरूरत नहीं है, मैं पीकर आया हूँ, चलता हूँ। पत्नी, मुंह बंद नहीं रख सकते थे, अभी वो गया ही नहीं कि उसकी बुराई करने लगे, अच्छा हुआ जो मैंने टोक दिया, खैर ठीक है मैं नहाने जा रही हूँ। उसके जाते ही बाबू चुपके से घर में आया। रामनाथ के पास आकर उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाने लगा। रामनाथ, आंखों में पट्टी बंधी है, मुझे इस बात की इतनी चिंता नहीं है जितना इस बात का दुख है कि मैं मोबाइल देख नहीं पा रहा हूँ, देखना होगा कि पत्नी चौकन्नी है कि नहीं। चोर चोर, कहकर चिल्लाने लगा। बाबू तुरंत छिप गया। पत्नी दौड़ती हुई आई और, कहाँ है चोर, कहाँ है चोर, कहकर चिल्लाने लगी। रामनाथ, मैंने यूं ही कहा था, देख रहा था कि तुम चौकन्ने हो कि नहीं, पुलिस की बीवी को अलर्ट होना चाहिए। सुनो, अलमारी में जो गहने और नकद रखे हैं उन्हें संभाल कर रखो, अलमारी की चाबी भगवान के फोटो के पीछे रखा है, उसे अपने पास रखो। ये बातें सुनकर बाबू सिर हिलाने लगा। पत्नी के जाने के बाद बाबू ने चाबी ले लिया। उसके बाद अलमारी खोला और गहने और नकद को एक सूटकेस में डाल दिया। इतने में प्रशांत वहां लौटा। प्रशांत ने रामनाथ के कंधे पर थपथपाया तो रामनाथ, चोर चोर चोर, कहकर चिल्लाया। अरे यार मैं हूँ चोर नहीं, क्यों चिल्ला रहे हो, स्टेशन में तुम्हारे लिए एक अर्जेंट लेटर आया है, मैं इस तरह से जा रहा था सोचा तुम्हें दे जाऊं, कोई रामप्रसाद है उनका खत है। रामप्रसाद? वो मेरा दोस्त है, वो हमेशा हड़बड़ाया रहता है, कल उसने घर पर भी खत लिखा था, मेरी पत्नी ने पढ़ा था, उसकी बेटी की शादी तय हुई है। इतने में बाबू सूटकेस के साथ वहाँ आया। लड़का अपने शहर का ही है, एक बार मिलकर बात करने के लिए कहा है, मैं जा नहीं पाऊंगा ना,
इसीलिए उस लड़के को घर आने को कहा है। बाबू ने प्रशांत को आदर पूर्वक नमस्कार किया। प्रशांत ने भी नमस्ते कर क्या करते हैं कहकर पूछा। तभी रामनाथ, रियल एस्टेट का बिजनेस है, सुना है हर रोज लाखों रुपए सूटकेस में भरकर ले जाते हैं। प्रशांत ने बाबू का सूटकेस देखा। तभी पत्नी वहां आई। उसे देखकर बाबू ने यूं इशारा किया मानो कहता हो कि प्रशांत के साथ आया है और प्रणाम किया। उसने भी नमस्कार किया। रामनाथ, सुना है लड़का बहुत बुद्धिमान है, बड़ों का आदर करता है। कहते ही बाबू ने प्रशांत को सिर झुकाकर प्रणाम किया। प्रशांत, ठीक है मैं चलता हूँ यार, चलता हूँ बेटा कहकर चला गया। बाबू भी उसके पीछे चला गया। बेटा क्यों कहा उसने, यहाँ हम दोनों ही है ना। पत्नी, अरे भाई साहब के साथ एक लड़का आया था ना, उसे कहा। उसके साथ लड़का आया था, वो कौन था? मैं क्या जानू, मैंने सोचा कि आपको पता होगा, उनके साथ ही चला गया। उसके हाथ में एक सूटकेस भी था, वो सूटकेस पहले कहीं देखा हुआ लगता है। अरे हाँ याद आया, वो तो अपना ही सूटकेस है। रामनाथ, अरे बाप रे वो चोर होगा, जाकर अलमारी देखो जल्दी। पत्नी ने जाकर देखा तो अलमारी में एक लेटर दिखाई दिया। वो लेटर लेकर रामनाथ के पास आई। अलमारी पूरा साफ कर गया, एक लेटर रखा है, पढ़ती हूँ। श्रीमान रामनाथ, जैसे मैंने कहा आपके घर में मैंने चोरी की है। निर्दोष को तंग करोगे तो यूं ही चोर बनने का अंदेशा है। मुझे पकड़ने की कोशिश मत करना, आपसे नहीं होगा। मैं दूसरे शहर में जाकर चैन से जीऊंगा। नमस्ते, आपका बाबू। तब से रामनाथ ने अपनी लत को छोड़कर ईमानदारी से नौकरी करने लगा। लालची गैस सिलेंडर वाला। बदलापुर नाम के गांव में जोगाराव नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने ऑटो में गैस सिलेंडर चढ़ाकर घर घर घूम के डिलीवरी किया करता था। वो बड़ा लालची इंसान था, हर रोज चोरी छिपे ऑटो को अपने घर ले जाता। पहले गैस से भरा सिलेंडर को लेटाता, उसके बाद खाली सिलेंडर को उसके सामने लेटाता, फिर एक छोटी सी पाइप के मदद से भरा हुआ सिलेंडर से गैस खाली सिलेंडर में भरता। इस तरह हर सिलेंडर में से वो थोड़ा थोड़ा गैस निकाल लेता। इसके बाद जिस सिलेंडर में उसने गैस भरा होता उस सिलेंडर को अपने घर के एक कमरे में वो छिपा के रखता। इसके बाद अपने ऑटो में वो घर घर गैस डिलीवरी करता। इस तरह जो सिलेंडर वो जमा करता उन्हें ले जाकर ढाबे में बेचा था। एक बार एक ढाबे के मालिक से उसने कहा, महीने के दो सिलेंडर ही तुम्हें सरकार देती है, पर मैं चोरी छिपे तुम्हें दो और लाके देता हूँ। इस बार थोड़ा दाम बढ़ाओ वरना मैं सिलेंडर देना बंद कर दूंगा, समझ गए? उस आदमी ने उसे पैसे दे दिए। एक दिन एक औरत ने कहा, ये क्या जोगाराव, पहले एक गैस सिलेंडर एक महीना चलता था, आजकल तो 20 दिन भी नहीं चलता है। तुम जो सिलेंडर दे रहे हो उसमें गैस कम आ रहा है, देख लेना। जोगाराव बोला, आप क्या बोल रहे हो माई, आपके घर में गैस 2 महीना चलता है या 1 महीना मुझे कैसे पता चलेगा? आप गैस ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो और मुझ पर इल्जाम ठोक रहे हो, थोड़ा संभाल के इस्तेमाल करोगे तो गैस पूरा पड़ेगा। एक और घर में तराजू में गैस सिलेंडर रखा हुआ था। एक आदमी बोला, क्यों भाई हर महीने गैस का वजन कम क्यों आ रहा है? हम क्या नहीं जानते कि सिलेंडर पर उसका वजन लिखा रहता है? पर जब सिलेंडर में तोल के देखता हूँ उसका वजन कम आता है, आओ खुद ही देख लो, 1 किलो कम है इसका वजन। उसने सिलेंडर दिखाया। जोगाराम बोला, गलती से आ गया होगा साहब। अरे अगर फैक्ट्री से ही ऐसा है तो मैं क्या करूँ बताइए, सिलेंडर ही तो है, कभी कभी लीकेज भी हो जाता है। मैं आपका सिलेंडर बदल देता हूँ, टेंशन मत लो, कहकर उसने उसका सिलेंडर बदल दिया। उसके बाद, अरे बापरे ये तो बड़ा चालू निकला, आगे से ये फोन पे फोन करता जाएगा, पर इसे सिलेंडर नहीं दूंगा। जोगाराव का बेटा था जिसका नाम था पाची। एक बार वो घर के सामने बॉल से खेल रहा था, बॉल जाके उस कमरे के सामने गिरा जहां सिलेंडर छुपाए हुए थे। उसने बॉल लिया फिर खिड़की से झांक के अंदर देखा। अंदर इतने सारे सिलेंडर्स देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। इतने में जोगाराम अपना ऑटो लेकर घर पहुंचा। उसने ऑटो में से देख लिया था कि पांचू झांक के देख रहा है। तुरंत जोगाराव ने चिल्लाया,
वहां क्या कर रहा है, इधर आ, वो चिल्लाया। पांचू उस ऑटो के पास आ पहुंचा। कितनी बार बोला तेरे को उस रूम के पास मत जाना, पांचू बोला। पापा उस रूम के अंदर इतने सिलेंडर क्यों है, हर वक्त उस रूम के पास जाने को मना क्यों करते हो। जोगाराव बोला, चुप कर और जो मैं कहता हूँ कर, ज्यादा बात करेगा तो दो चार पड़ेगी तेरे को, चल जा यहाँ से। उसने बच्चे को डांट दिया। उस साल दीपावली का त्योहार आया। घर पर आतिशबाजी देखकर पाचू ने कहा, क्या माँ, हर साल पापा सिर्फ फुलझड़ियाँ ही लाते हैं, मुझे बॉम्ब और रॉकेट चाहिए, हर वक्त फुलझड़ियाँ लाते हैं, मुझे नहीं चाहिए। उसकी माँ बोली, जाकर अपने पिताजी से मांग, मेरा दिमाग मत चट, तू जानता है ना वो बॉम्ब और रॉकेट नहीं खरीदते हैं, हर बार मेरे पास आके क्यों चिल्लाता है। घर में आतिशबाजी नहीं चलेगी, गेट के बाहर जाके करना, ये भी बताने को कहा है, भूलना मत। इसके बाद पांचू ने पास के घर के बच्चे को बहला फुसला कर उससे एक रॉकेट लिया। शाम को सबने आतिशबाजी करना शुरू किया। घर के गेट के बाहर जोगाराम, उसकी बीवी और पांचू ने भी आतिशबाजी शुरू की। इतने में पांचू चुपके से गया, एक शीशी लाकर उसने उसमें रॉकेट रख दिया। ये देखकर जोगाराम घबरा के पूछा, ए तुझे वो रॉकेट कहां से मिला, मैंने तुझे रॉकेट चलाने को मना किया था ना, रुक रुक। पाचू बोला, क्यों, मैं क्यों नहीं रॉकेट जलाऊं, बाकी सारे बच्चे तो जलाते हैं, इसे मैंने अपने दोस्त से लाया है, मुझे रोकना मत, कहकर उसने रॉकेट जला दिया। वो ऊपर जा रहा था, अचानक से उसका दिशा बदला और सीधा खिड़की के रास्ते वो उस कमरे के अंदर गिरा जहां सिलेंडर्स रखे हुए थे। बस सारे सिलेंडर एक के बाद एक फटने लगे और उसी आग में जोगाराव का पूरा घर जल के राख हो गया। इसके बाद फायर इंजन वहां आ पहुंचा। फिर फायर इंजन वालों ने पानी से आग बुझाया। ऑफिसर पूछा, इतने सिलेंडर तुम्हारे पास कैसे आए, इतना घना इलाके में इतने सिलेंडर रखना गैर कानूनी है तुम्हें पता नहीं है, मैं अभी पुलिस बुलाता हूं, कहकर उसने पुलिस को फोन कर दिया। इसके बाद पुलिस आए और जोगाराव को अरेस्ट करके वहां से ले गए। जेल के पास आकर पाचू ने कहा, मुझे माफ कर दो पापा, ये सब मेरे वजह से हुआ है। जोगाराम बोला, अरे रे रे, ये सब मेरे वजह से हुआ है, लालच बढ़ गया और गलती कर बैठा, उस दुर्घटना में हमें या पास वाले को कुछ हो जाता, सोचते ही मुझे डर लग रहा है, आगे से ऐसे कुकर्म मैं नहीं करूंगा। जेल से रिहा होने के बाद जोगाराव सच्चाई और धर्म के रास्ते जीने लगा।